नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मरीज के डिलीवरी के नाम पर परिजनों से घूस लेने के वायरल वीडियो पर महिला डॉक्टर पर तो हुई तत्काल कार्रवाई, लेकिन उसी वायरल वीडियो में घूस की रकम लेने में सहयोग देने वाले ओटी स्टाफ पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बुधवार को की कार्रवाई। कहा, सेवा प्रदाता कंपनी को बर्खास्तगी के लिए लिखा पत्र, जल्द होगी उसकी सेवा समाप्त। टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आमजन को किया आगाह। कहा, पुलिस बिना वर्दी के नहीं करती किसी की चेकिंग, संदेह होने पर तत्काल दे पुलिस को सूचना। टप्पेबाजों पर गैंगस्टर जैसे धाराओं में निरुद्ध करते हुए होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। औद्योगिक विकास की उर्वर भूमि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनेगा दक्षिणांचल का उसर। सैटेलाइट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होगी धुरिया पार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। 8385 एकड़ क्षेत्रफल में बसेगी टाउनशिप। मास्टर प्लान व अंतरिम रिपोर्ट तैयार। दक्षिणांचल के राम जानकी मार्ग को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ेगी योगी सरकार। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत झगा थाने के अपराधियों विशाल चौहान, सूरज गौड़ और मुकुल यादव की संपत्ति तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी के नेतृत्व में की गई कुर्क। वाहनों व सीज किए गए मकान की कीमत 42 लाख रुपए से अधिक। अंग्रेजी उपनिवेश से भारत को मिली स्वतंत्रता वह वास्तविक नहीं, बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच कुछ शर्तों के साथ हुआ है सत्ता का हस्तांतरण। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर बोले मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहा, जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती हैं, वह स्वतः हो जाती हैं नष्ट। जिलाधिकारी ने लंपी बीमारी से बचाव की पूरी व्यवस्था रखने के मद्देनजर जनपद की गौशालाओं का अधिकारियों से करवाया निरीक्षण। गौशालाओं पर सभी व्यवस्था को सही रखने के दिए निर्देश। और वृद्धा विधवा व दिव्यांग पेंशन धारकों को केवाईसी करवाना होगा जरूरी। महापौर ने पार्षदों और अधिकारियों संग बैठक कर सभी वार्डों के लाभार्थियों का लिस्ट जारी कर सभी पात्रों का केवाईसी करवाने पर दिया जोर। कहा, अब केवाईसी होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजेगा समाज कल्याण विभाग। अब खबरें विस्तार से। जिला महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के नाम पर मरीज के परिजन से 7000 रुपए घूस लिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने गत दिनों डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा तथा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा। सीएमएस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया है, जबकि ओटी स्टाफ की भी इसमें मिलीभगत है, जिसका वायरल वीडियो में रंगे हाथ डॉक्टर के नाम पर पैसा लेते हुए कैमरे में भी कैद हुआ है, जिस पर सीएमएस कार्रवाई के लिए 10 दिनों तक मौन रहे। बुधवार को गोरखपुर न्यूज ने जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एनके श्रीवास्तव से ओटी स्टाफ पर कार्रवाई करने के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि महिला जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी वीडियो में पैसा लेते हुए पाया गया है, जो सेवा प्रदाता के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत है। तत्काल सेवा प्रदाता कंपनी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने तथा जिला अस्पताल से सेवा समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभाव से लेटर भेज दिया गया है और जल्द ही कर्मचारी को जिला अस्पताल से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव ने कहा, मैम मैं आपके पैसे ले आ रहे हैं कि स्टाफ को तब तो कुछ हेल्प हो जाए। स्टाफ के दौर पे भी हेल्प हो रहा है मैम। नहीं सा बात नहीं मैम, मतलब कुछ मैम नहीं सा बात नहीं मैम, मतलब कुछ Thank you.
2000 रुपये। भाई जाने देने को ज़्यादा ही नौका हो जा रहा है ना, कहाँ भाई बुला रही है? तो कब तक हो जाएगा भैया? तो कब तक हैं? कुछ दिन पहले कर्मचारी का वीडियो आ रहा था, पैसा देते हुए क्या मामला करा दिया? वो वीडियो मुझे अभी जल्दी देखने को प्राप्त हुआ है और जो कर्मचारी उसमें आइडेंटिफाई हुआ है वो सेवा प्रदाता के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहा था चतुर्थ श्रेणी में, तो उसकी इस कृत को देखते हुए सेवा प्रदाता कंपनी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु यहाँ से जिला अस्पताल से उसकी सेवाएँ समाप्त करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को तत्काल हमने भेज दिया है और मुझे लगता है जल्द ही उसको यहाँ से हट जाएगा। जनपद में आए दिन टप्पेबाजी जैसी घटनाएं आम जनमानस के साथ होती रहती हैं। आम जनमानस को ऐसे टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में कहीं भी पुलिस की चेकिंग सादे वर्दी में नहीं की जाती है। अगर किसी प्रकार की चेकिंग पुलिस के द्वारा की जाती है तो सभी पुलिस के जवान वर्दी में ही चेकिंग का कार्य करते हैं, किसी के बहकावे में कोई भी व्यक्ति ना आए। अगर कोई भी व्यक्ति सादे कपड़े में कहीं भी चेकिंग करते हुए दिखाई देता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, जिसके खिलाफ गोरखपुर की पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर जैसी धाराओं में निरुद्ध करते हुए जेल भेजने का कार्य करेगी। ऐसे टप्पेबाजों से सावधान रहे और तत्काल पुलिस को सूचना देकर पुलिस की मदद करने का कार्य करे, जिससे भोली भाली जनता को ऐसे टप्पेबाजों से बचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में रहने वाले या बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ कुछ अपराधियों द्वारा अपना परिचय पुलिस के रूप में देते हुए उनकी नकदी, गहने व अन्य जो उनके मूल्यवान संपत्ति है उसको ले लिया जाता है, जिसे अक्सर टप्पेबाजी की घटना का नाम दिया जाता है। इस संबंध में मैं जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों को और बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जब भी कोई चेकिंग की जाती है तो वो यूनिफॉर्म में और वर्दी में की जाती है। कोई भी चेकिंग सादे वस्त्रों में पुलिस के द्वारा कभी नहीं की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बात कहकर के आपकी मूल्यवान संपत्ति या नकदी ये कहकर के लेने का प्रयास करता है कि वो पुलिस की चेकिंग आगे चल रही है और संपत्ति उसको दे दी जाए, तो कतई ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास ना करें और अपनी कोई भी संपत्ति ऐसी किसी भी व्यक्ति को ना दें। इस संबंध में तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, ऐसे जालसाजों के और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर दोबारा से किसी घटना में लिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य जो प्रावधान है उनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी आशा है कि इस अपील का सभी लोग संज्ञान लेंगे और ऐसे किसी भी आपराधिक तत्वों के झांसे में नहीं आएंगे।
दक्षिणांचल का उसे जिले में दिनों दिन बढ़ रही औद्योगिक विकास की संभावनाओं को उर्वर बनाएगा। अति पिछड़े क्षेत्र की पहचान गोरखपुर के नए औद्योगिक क्षेत्र के गेटवे के रूप में होगी। अमूल चूल बदलाव का जरिया बनेगी धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। बीते 5 सालों में देश दुनिया के कई निवेशकों का गोरखपुर की तरफ रुझान देखते हुए सीएम योगी की मंशा धुरियापार क्षेत्र को सैटेलाइट इंडस्ट्रियल हब बनाने की है। मंगलवार की शाम औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लेकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का प्रेजेंटेशन देखा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना के लिए धुरियापार क्षेत्र के अंतर्गत 18 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। गीडा की तरफ से नामित संस्था द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए प्री ड्राफ्ट मास्टर प्लान व तैयार किया जा चुका है। प्लान के अनुरूप अंतरिम रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। मास्टर प्लान के मुताबिक इस टाउनशिप का क्षेत्रफल 8385 एकड़ होगा। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक क्षेत्र के साथ ही आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत, परिवहन व अन्य सेक्टर के लिए भी सुविधाजनक प्रावधान किए गए हैं। कीड़ा क्षेत्र के आसपास उपलब्ध जमीनों के सापेक्ष काफी हद तक हो चुके औद्योगिक विकास के बाद धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में सरकार की यह पहल ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनाने की है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री ने सीईओ गीडा को निर्देशित किया कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि धुरियापार क्षेत्र में जमीनों का एक हिस्सा ऊसर प्रकृति का है। किसानों को इन जमीनों का भरपूर मूल्य प्राप्त होगा और ऊसर धरती पर औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार और खुशहाली की फसल लहलहाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार राम जानकी मार्ग का भी कायाकल्प कर रही है। इस मार्ग को सनातन आस्था व संस्कृति के साथ ही रोजगार के नए अवसरों से भी जोड़ा जाएगा। गोरखपुर के दक्षिणांचल के औद्योगिक विकास को लेकर योगी सरकार काफी संजीदा है। धुरियापार में बनने के बाद से ही बंद पड़ी चीनी मिल के कुछ हिस्से में इंडियन ऑयल की तरफ से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बन रहा है। इसका शिलान्यास सितंबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्लांट के लग जाने से यहां किसान पराली व गोबर से भी अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। यह प्लांट बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का जरिया भी बनेगा। इस प्लांट के साथ धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के मूर्त रूप में आने के बाद इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए गौखास, हरपुर, तप्पा, चांदपार, बात बुजुर्ग, कास्तकाशी नायक, मठ दुर्वासा, घड़ारी, कस्त सुवंश दुबे, चाड़ी, भिसमपट्टी, दोदापार, दिघुरुआ, सकरदैया, परसा बुजुर्ग, दुबरीपुरा बात खुर्द, पुरा दयाल, बरपार माफी, धौराहरा गाँव को अधिसूचित किया गया है। थाना जगह के गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तगढ़ विशाल चौहान पुत्र खूबलाल निवासी जंगल रसूलपुर नंबर 2 थाना जगह, सूरज गौड़ पुत्र राजू गौड़ निवासी लालापुर थाना जगह, मुकुल यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी रामपुरा थाना जगह गोरखपुर की संपत्ति जब्त करने हेतु प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्तगढ़ विशाल चौहान, सूरज गौड़, मुकुल यादव उपरोक्त के संपत्ति को 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 10 अगस्त को कुर्क किए जाने तथा कुर्कशुदा संपत्ति को तहसीलदार चौरी चौरा को कब्जे में लेने के लिए आदेश दिया था। आदेश के अनुपालन में तत्कालीन तहसीलदार चौरी चौरा द्वारा अभियुक्त गढ़ों के मकान व मकान के अंदर मौजूद समस्त घरेलू सामान व जानवरों का कमरा तथा एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा व एक पल्सर मोटरसाइकिल को 31 अगस्त को कब्जे में लेकर जब्त किया गया। तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी व प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा उमेश कुमार वाजपेयी मय पुलिस बल की उपस्थिति में विशाल चौरा
चौहान, सूरज गौर, मुकुल यादव उपरोक्त की मोटरसाइकिल व सील किए गए मकान की चाबियों को कब्जे में लेकर जब्त किया गया है। उक्त वाहन व चाबी को थाना जगह पर तहसीलदार चौरी चौरा द्वारा लाकर दाखिल किया गया है। दाखिल किए गए वाहनों व सीज किए गए मकान की अनुमानित कीमत लगभग 42 लाख रुपए से अधिक की है। गैंग लीडर विशाल यादव उपरोक्त आदि के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के पश्चात इसकी संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। संपत्ति जब्त करने वालों में तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी, थाना चौरी चौरा के प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार बाजपेयी, उप निरीक्षक दिनेश बहादुर सिंह, उप निरीक्षक रमेश चंद्र चौधरी, कांस्टेबल अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल गोविंदा गौर शामिल रहे। नाम लिखा गलत नाम लिखा दिया, नाम लिखा दिया गलत लिखा दिया। सुनो 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 गाँव वालों सुनो, आपके गांव का अपराधी सूरज गौड़ समाप्त राजू गौड़ सीज की जा रही है, कुर्क की जा रही है। गैंगस्टर का मुलिम सूरज गौण पुत्र राजू गौण निवासी लालापुर 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत इसकी संपत्तियां सीज की जा रही है। माननीय डीएम गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार तहसीलदार इधर सर अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मरीज के डिलीवरी के नाम पर परिजनों से घूस लेने के वायरल वीडियो पर महिला डॉक्टर पर तो हुई तत्काल कार्रवाई, लेकिन उसी वायरल वीडियो में घूस की रकम लेने में सहयोग देने वाले ओटी स्टाफ पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बुधवार को की कार्रवाई। कहा सेवा प्रदाता कंपनी को बर्खास्तगी के लिए लिखा पत्र, जल्द होगी उसकी सेवा समाप्त। टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आमजन को किया आगाह। कहा पुलिस बिना वर्दी के नहीं करती किसी की चेकिंग, संदेह होने पर तत्काल दे पुलिस को सूचना। टप्पेबाजों पर गैंगस्टर जैसे धाराओं में निरुद्ध करते हुए होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। औद्योगिक विकास की उर्वर भूमि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनेगा दक्षिणांचल का उसर। सैटेलाइट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होगी धुरिया पार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। 8,385 एकड़ क्षेत्रफल में बसेगी टाउनशिप। मास्टर प्लान व अंतरिम रिपोर्ट तैयार। दक्षिणांचल के राम जानकी मार्ग को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ेगी योगी सरकार। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत झगड़ा थाने के अपराधियों विशाल चौहान, सूरज गौड़ और मुकुल यादव की संपत्ति तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी के नेतृत्व में की गई कुर्क। वाहनों व सीज किए गए मकान की कीमत 42 लाख रुपए से अधिक। अंग्रेजी उपनिवेश से भारत को मिली स्वतंत्रता वह वास्तविक नहीं बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच कुछ शर्तों के साथ हुआ है सत्ता का हस्तांतरण। युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर बोले मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहा जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती हैं, वह स्वतः हो जाती है नष्ट। जिलाधिकारी ने लंपी बीमारी से बचाव की पूरी व्यवस्था रखने के मद्देनजर जनपद की गौशालाओं का अधिकारियों से करवाया निरीक्षण। गौशालाओं पर सभी व्यवस्था को सही रखने के दिए निर्देश। और
वृद्धा विधवा व दिव्यांग पेंशन धारकों को केवाईसी करवाना होगा जरूरी। महापौर ने पार्षदों और अधिकारियों संग बैठक कर सभी वार्डों के लाभार्थियों का लिस्ट जारी कर सभी पात्रों का केवाईसी करवाने पर दिया जोर। कहा, अब केवाईसी होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजेगा समाज कल्याण विभाग। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंग्रेजी उपनिवेश से भारत की स्वतंत्रता मिली वह वास्तविक नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच एक ऐसा समझौता था जिसमें कुछ शर्तों के साथ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। कांग्रेस में भी आम जनमानस की दृष्टि में देश का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलना चाहिए था, लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया। एक लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस शासित देश में चाटुकारों का बोलबाला रहा और उन्हीं के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को अपने अनुसार लेखन किया गया। 15 अगस्त को आज़ादी नहीं मिली, जबकि देश इस असत्य से अब भी परिचित नहीं हो पाया। आज वास्तविक परिचय कराने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती, वो स्वतः नष्ट हो जाती हैं। आज कांग्रेस की वही स्थिति है। उक्त बातें दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक व पत्रकार नई दिल्ली ने युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर राष्ट्रवाद के समक्ष चुनौतियां विषय पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे नेतृत्व को नकारता रहा, उसे राष्ट्रपिता कैसे कहा जाए। उन्होंने महर्षि वेदव्यास को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारा। उन्होंने वीर सावरकर के योगदान को भी सराहा। उन्होंने विद्यार्थियों को
अभिप्रेरित करते हुए कहा कि जब समाज व राष्ट्र सरकारों पर निर्भर हो जाती है उसी समय राष्ट्र समाप्त हो जाता है। इसलिए आज के युवा करियर की चिंता किए बिना सत्य सुने और सत्य बोले, अन्यथा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें मजहब और धर्म में अंतर समझना होगा। धर्म को उन्होंने कर्तव्य और दायित्व से जोड़ा। हमारे संस्कृति में धर्म कर्तव्य बोध का परिचायक है। उन्होंने मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों विसंगतियों से प्रभावित हो रहे सनातन धर्म को बचाने की बात कही, क्योंकि उनके धर्म में शांति की कोई जगह नहीं है, जबकि सनातन धर्म विश्व शांति की बात करता है। सनातन का अर्थ विज्ञान है। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े आस्था के केंद्रों एवं प्रकृति पूजा को वैज्ञानिक बताया और भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंगों का रेडियो सेंसिटिव रेंज को कम करने के लिए स्थापित माना और पीपल के वृक्ष के रूप की महत्ता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मुगलों और अंग्रेजी शासन से लंबे समय तक प्रभावित होती रही हमारी संस्कृति के वैभव को फिर से लाने एवं लोगों में चेतना को जागृत करने में गोरक्षपीठ की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस पीठ से जुड़े संतों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया और सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण किया। इस पीठ से जुड़े वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति दृढ़ संकल्प होकर सुशासन स्थापित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर एस तोमर, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने कहा कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता और ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। गुलामी के समय विदेशी आक्रांताओं ने इस पर आघात पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सत्यपाल सिंह एवं आभार ज्ञापन प्रोफेसर अर्चना सिंह ने किया। उक्त कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव सिंह, प्रोफेसर परीक्षित सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शशि प्रभा सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अरुण तिवारी सहित महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, द्वारा हजारों चाटुकार पैदा किए गए हैं, इसलिए वो सच नहीं बोले। जिन लोगों को आज खबरों में से निकाल करके इनकी मूर्तियां गिरा रहे हैं, हमारा नंबर भी उसी में होगा। क्योंकि इस देश में हमें आज पता चला कि मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग का जमाना बहुत पहले से चल रहा है। एक साहब को भारत के करोड़ों लोगों से बिना पूछे, बिना जाने, न संविधान में न संसद में हजारों चाटुकारों ने रातों रात कहा कि भारत हिंदू का डर हो गया।
जिससे परिवार बचे, अपने आप को महान बताने की परंपरा भारत में बहुत। 1400 साल पहले जो लोग अरब में ऊंट की बर्खास्त तो देखी, पूरे देश में चौराहे चौराहे वो आपको खुल्ला खुल्ला जो बिना जाने बिना कुछ समझे बिना पढ़े हमने ये सबसे झूठा बकारी भरा एक नरेटिव एक नारा चला। और आज भी कुछ लोग क्या आपको पता चलेगा, हो सकता है कि वो शख्स जिंदा ना हो, आप उसके लिए उठ के वैसे ही खड़े होंगे, वैसे ही खड़े होंगे। ये घटना इसलिए आपको बताना चाहिए, वो भारत से व्यापार करती थी, वहां से तमाम सारी चीजें आती थी और 6 महीने के बाद ऊंटों पर फिर दोबारा से आते थे, तब उनका पेमेंट होता था। रूपेश पांडे को मार करके ये 90 से 95 करोड़ सनातनियों को डरा नहीं सकते। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि सूरज की पूजा करनी चाहिए। ये जो पूजा भाव है, ये जो पूजा लक्ष्य नहीं था, इसके पीछे की जो साइंस थी उसे समझने का लक्ष्य था। जैसे मैं कभी कभी अपनी बात को समझाने के लिए कहता हूं, एक बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 साल है, ये हर घर की मां ने कहा होगा, ये बात पता नहीं क्या थोड़ा मां भी आधुनिक हो गई है, टीवी देख के कोई नई परिभाषा बना ली। युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ के नाम पे उनकी स्मृति में यह महाविद्यालय चूंकि उनके नाम से है 7 दिनों का एक स्मृति व्याख्यान वाला चलाया। इसमें प्रतिदिन अलग अलग वक्ता और मुख्य अतिथि आए। इन 7 दिनों में 5 वाइस चांसलर विभिन्न विश्वविद्यालयों के हमारे बीच आए, जिनका मार्गदर्शन हमको मिला। आज उसका समापन सत्र था। इस समापन सत्र में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RS तोमर सर थे और प्रख्यात राजनीतिक विचारक प्रखर वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। आज हमारे विद्यार्थी बड़े अनुशासित ढंग से और हजारों की संख्या में उनके व्याख्यान से लाभान्वित हुए और इसी के साथ 7 दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम संपूर्ण महाविद्यालय के सहयोग से सहभागिता से आज सम्पन्न हुआ। महंत दिग्विजयनाथ जी सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे और एक गोरक्षपीठ के महंत ही नहीं थे, बल्कि उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक चेतना का प्रसार किया और उन्हीं के चेतना के प्रसार का परिणाम रहा कि असहयोग आंदोलन के दौर में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा का दौर उस समय चल रहा था, तो राष्ट्रीय शिक्षा को अपने यहाँ विकसित करने के लिए इस पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र को उन्होंने चुना और इस शैक्षिक मरुभूमि में उन्होंने ज्ञान गंगा को प्रवाहित करके आधुनिक भगीरथ की भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को 1932 में स्थापित करके उन्होंने एक शुरुआत किया। आज वो वटवृक्ष का रूप ले चुका है और 50 संस्थाएं जिसमें कि प्राथमिक स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय तक समाहित है आज एक बड़े स्वरूप में आपके सामने है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद की गौशालाओं की स्थिति की जानकारी के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी गढ़ो एवं तहसीलदारों से जनपद के विभिन्न गौशालाओं का औचक निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान जनपद के गौशालाओं में सफाई व्यवस्था, भूसा, हरा चारा की उपलब्धता, पानी, विद्युत व्यवस्था, पशुओं की टैगिंग, गौवंश की स्थिति, नियमित गणना एवं लंपी बीमारी से बचाव की स्थिति आदि के बारे में जाँच की गई। निरीक्षण के दौरान कई गौशालाओं में सफाई व्यवस्था, भूसे की पर्याप्त उपलब्धता,
विद्युत व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गौशालाओं पर सभी व्यवस्था को सही रखा जाए और संबंधित अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नियमित रूप से गौशाला का निरीक्षण करते रहें, साथ ही लंपी बीमारी से बचाव की पूरी व्यवस्था रखा जाए। नगर निगम के सदन भवन में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन को लेकर अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा अभी तक जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाया, इसी संबंध में पार्षद व विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है और पार्षदों को हिदायत दिया गया है कि अपने वार्ड में ऐसे लोगों को सूचित करें कि बिना केवाईसी के आप पात्र नहीं होंगे, कृपया अपना केवाईसी करा लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सूचित किया गया है कि सभी वार्डों में ऐसे लोगों को एक लिस्ट जारी करें और पार्षदों के सहयोग से ऐसे लोगों का केवाईसी कराया जाए। केवाईसी होने के बाद लाभार्थी का पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनके खाते में चला जाएगा। इस बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वेद प्रकाश मिश्रा, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मृत्युंजय पार्षद रणजय सिंह जुगनू सहित अन्य पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, भट्टा भट्टा ये केवल दो ऑर्थो वाले हैं, मतलब फर्स्टी वाले हैं, हम उन्हीं के लिए वही हजार रुपए जो 2500 की पहले वो 3000 3000 पर मंथ और 9000 उसमें क्या क्या वो आता है पुष्ट के लिए? बहुत मतलब दांत का पुष्ट अधिकारी, जिला पुष्ट अधिकारी है, पुष्ट प्रमाणित पुस्तक होगी तो प्रमाण पत्र 5000 होगा। जिला पुष्ट अधिकारी हाँ से ही होता है उसका आज गोरखपुर नगर निगम में वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संदीप कुमार जी, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी और वेद प्रकाश सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, ये हमारे समाज कल्याण विभाग से 3 अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोगों ने जो लोगों का विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, अभी तक जिन लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी हमारे वार्ड हैं उनके पार्षदों को भी बुलाया गया है और कहा गया है कि बिना केवाईसी का आप लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा, आप लोग केवाईसी करा लीजिए, केवाईसी कराने के बाद ही उनके खाते में पेंशन जाएगा। यह सरकार ने नीति बनाई है, इसलिए बनाई गई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी ढंग से इसको बनवा लेते हैं, उस पर नियंत्रण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को मिल सके, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। हम लोगों ने यहाँ अधिकारियों से मांगा है कि किस वार्ड में कितने लोग केवाईसी नहीं कराए हैं उसकी एक सूची उपलब्ध कराएं। हमारे जो अधिकारी आए हैं वो सूची उपलब्ध करा रहे हैं और पार्षदों की सहयोग से केवाईसी उनका कराया जाएगा और केवाईसी करा करके उनके खाते में पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से चला जाएगा, इसीलिए यह कार्यक्रम बुलाया गया है। इसमें हमारे संजय शुक्ला जी, हमारे अधिकारी और हमारे क्या नाम है मृत्युंजय जी, ये लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और ये तीनों अधिकारी जिसका नाम मैंने अभी बताया ये लोग भी उपस्थित हैं और इस पर
लिस्ट देंगे और पार्षद मोटिवेट करके केवाईसी कराएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मरीज के डिलीवरी के नाम पर परिजनों से घूस लेने के वायरल वीडियो पर महिला डॉक्टर पर तो हुई तत्काल कार्रवाई, लेकिन उसी वायरल वीडियो में घूस की रकम लेने में सहयोग देने वाले ओटी स्टाफ पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बुधवार को की कार्रवाई। कहा सेवा प्रदाता कंपनी को बर्खास्तगी के लिए लिखा पत्र, जल्द होगी उसकी सेवा समाप्त। टप्पेबाजों से सावधान रहने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आमजन को किया आगाह। कहा पुलिस बिना वर्दी के नहीं करती किसी की चेकिंग, संदेह होने पर तत्काल दे पुलिस को सूचना। टप्पेबाजों पर गैंगस्टर जैसे धाराओं में निरुद्ध करते हुए होगी सख्त से सख्त कार्यवाही। औद्योगिक विकास की उर्वर भूमि ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर गीडा बनेगा दक्षिणांचल का उसर। सैटेलाइट इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होगी धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप। 8385 एकड़ क्षेत्रफल में बसेगी टाउनशिप। मास्टर प्लान व अंतरिम रिपोर्ट तैयार। दक्षिणांचल के राम जानकी मार्ग को भी रोजगार के अवसरों से जोड़ेगी योगी सरकार। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत झगा थाने के अपराधियों विशाल चौहान, सूरजगढ़ और मुकुल यादव की संपत्ति तहसीलदार चौरी चौरा श्रीमती नीलम तिवारी के नेतृत्व में की गई कुर्क। वाहनों व सीज किए गए मकान की कीमत 42 लाख रुपए से अधिक। अंग्रेजी उपनिवेश से भारत को मिली स्वतंत्रता वह वास्तविक नहीं बल्कि अंग्रेजों और कांग्रेस के बीच कुछ शर्तों के साथ हुआ है सत्ता का हस्तांतरण। योग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला के समापन अवसर पर बोले मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। कहा जो संस्थाएं सत्य को छिपाती हैं, सत्य बोलने का साहस नहीं करती हैं, वह स्वतः हो जाती हैं नष्ट। जिलाधिकारी ने लंपी बीमारी से बचाव की पूरी व्यवस्था रखने के मद्देनजर जनपद की गौशालाओं का अधिकारियों से करवाया निरीक्षण। गौशालाओं पर सभी व्यवस्था को सही रखने के दिए निर्देश। और वृद्धा विधवा व दिव्यांग पेंशन धारकों को केवाईसी करवाना होगा जरूरी। महापौर ने पार्षदों और अधिकारियों संग बैठक कर सभी वार्डों के लाभार्थियों का लिस्ट जारी कर सभी पात्रों का केवाईसी करवाने पर दिया जोर। कहा अब केवाईसी होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजेगा समाज कल्याण विभाग। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।